1947 से 2017 तक भारतीय लोकतंत्र के सफर को देखें तो जहां भारत को एक ताकत के रूप में देखा जाता है, वहीं भारत के ऊपर कुछ ऐसे दाग भी लगे हैं जो ये सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारा देश कहां है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बात का जवाब आपको इस वीडियो के जरिए देखने मिलेगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कि देश की आजादी से लेकर अब तक कितने घोटालों की लंबी फेहरिस्त है जो देश को कई बार शर्मसार कर देती है। सबसे पहला घोटाला है 1948 का जीप खरीद घोटाला। जीप घोटाला देश की आजादी के तुरंत बाद 1948 में सामने आया था। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दिया गया था, पर 1949 में जाकर महज 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पहुंच पाई थीं और इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी भी नहीं उतरी। जांच हुई तो पता चला कि ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके मेनन घोटाले के दोषी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर इनके साथ कुछ नहीं हुआ। जल्द ही मेनन नेहरू के कैबिनेट में शामिल हो गए। अगला घोटाला है 1958 का हरिदास मुंद्रा स्कैंडल। हरिदास मुंद्रा कोलकाता के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये देश का पहला फाइनेंशियल बड़ा स्कैंडल था। इस मामले का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में किया था। हरिदास मुंद्रा के द्वारा स्थापित 6 कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपए से संबंधित मामला सामने आया था। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी, वित्त सचिव एचएम पटेल, एलआईसी चेयरमैन भी दोषी पाए गए थे। दबाव बढ़ने पर वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया और मुंद्रा को 22 साल की सजा मिली। अगला मामला है 1981 का अंतुले ट्रस्ट। अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज 1981 में हुई। ये महाराष्ट्र में हुए सीमेंट घोटाले से संबंधित था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एआर अंतुले का नाम एक घोटाले में शामिल हुआ। उन पर आरोप ये रहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वालंबन योजना आदि के ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो लोग ट्रस्ट को पैसा देते थे उन्हें सीमेंट का कोटा दिया जाता था। इस मामले में मुख्यमंत्री पद से एआर अंतुले को हटना पड़ा। अगला मामला है सन 1987 का, जो कि आज तक कहीं ना कहीं गूंजता नजर आता है। जी हाँ, मामला है बोफोर्स घोटाला। 1986 में स्वीडन के एबी बोफोर्स कंपनी से 155 तोपें खरीदने का सौदा तय किया गया था। कहा यह गया कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। ओटावियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था। 64 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में 250 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सीबीआई एक भी आरोपी को सजा नहीं दिला पाई। जनाब हद तो तब हो गई जब 2008 में खुद सीबीआई ने लंदन की एक अदालत में मुख्य आरोपी क्वात्रोची का बैंक अकाउंट डिफ्रीज करने की दलील भी दे दी। जबकि 10 सालों तक सीबीआई ये कहती रही कि इस अकाउंट में बोफोर्स दलाली की रकम जमा है और ये जांच का अहम सबूत है। अगला मामला है 1996 का और वो भी बिहार की जमीन से। 1996 में बिहार में हुआ ये सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं। चारा घोटाले ने देश में सनसनी सी फैला दी, क्योंकि ये घोटाला था जो 1-2 करोड़ रुपए से नहीं बल्कि 360 करोड़ रुपए का था। जानकारों की माने तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि घोटाले की रकम आखिरकार कितनी थी। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है। अगला घोटाला है हवाला घोटाला। देश से बाहर धन भेजने की इस कला से आम हिंदुस्तानियों का परिचय इसी घोटाले की वजह से हुआ। 1991 में सीबीआई ने कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापे में एसके जैन की डायरी बरामद हुई। इस तरह इस घोटाले को सामने लाने में ये डायरी काफी कारगर साबित हुई। इस घोटाले में $18 मिलियन घूस के रूप में देने का मामला सामने आया था, जो कि बड़े बड़े राजनेताओं को दी गई थी। अगला घोटाला है चीनी घोटाला। वर्ष 1994 में खाद्य आपूर्ति मंत्री कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात करने का फैसला किया। इस कारण सरकार को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अंततः उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और साथ ही जेल की भी हवा खानी पड़ी।
अगला मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी कितनी भी अरबों की कमाई कर सकता है, ये साबित किया झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने। 4000 करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई थी कोड़ा के पास। बाद में इन पैसों को विदेश भेजकर जमा करा दिया गया और विदेशों में भी पैसे निवेश किए गए। इस मामले में भी केस दर्ज हुआ। फिलहाल कोड़ा जेल में है। स्टैंप घोटाला। भारत में हुए हर घोटाले में कुछ न कुछ नया जरूर था, चाहे वो घोटाले की राशि हो या फिर घोटाले का तरीका। ऐसे में एक नए और अद्भुत घोटाले के रूप में सामने आया स्टैंप घोटाला। स्टैंप की हेराफेरी कर अब्दुल करीम तेलगी ने देश को 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इस घोटाले की खास बात ये थी कि तेलगी को सरकार का पूरा सहयोग मिला था, जिसके चलते उसने स्टैंप की हेराफेरी कर इस घटना को अंजाम दिया था। और अंतिम में बात करेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन हुआ था। इस घोटाले से 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जाता है। 2G घोटाला कोयला घोटाले से 5 वर्ष पहले हुआ था, जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था। तो ये हैं देश के वो बड़े घोटाले जो आज़ादी के बाद सामने आए और आज भी इनकी चर्चा पर भारत को शर्मसार होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम्स।